ट्वीट कर दिया है कि किस तरह से हमें कोरोना से लड़ना है। तो आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों, हमेशा याद रखें मास्क जरूर पहने, हाथ साफ करते रहें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें क्योंकि दो गज की दूरी बेहद जरूरी है और उसे बनाकर रखना अहम है। तो ये अहम है जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, इसका जिक्र हमने किया था तेजेंद्र अपनी खबर की शुरुआत में ही। और लगातार जो तरह से अब मौसम आ रहा है बदलाव का, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था खुलने जा रही है, खुल चुकी है, तो किस लिए कितना अहम है इस पर हम रखेंगे अपना खास। बिल्कुल बेहद अहम, और क्योंकि अर्थव्यवस्था खुल चुकी है, लोगों का मिलना जुलना बढ़ गया है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो चीजें हमने शुरुआत में सीखी हैं उसको आगे भी फॉलो करते रहें, दो गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं, इन्हीं सभी बातों का जिक्र किया गया है और इन्हीं पर जोर देने की बात कही गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार के नाम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम ट्वीट के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत करेंगे कि कोरोना महामारी इलाज से बेहतर रोकथाम पर है। कुछ उपायों को बताते हुए आयुष मंत्रालय ने सलाह दी है कि दिन भर गर्म पानी पिएं, कम से कम 30 मिनट तक योग का अभ्यास करें, प्राणायाम और ध्यान लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन पकाने के समय इसमें हल्दी, जीरा और धनिया जैसे मसालों का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। साथ ही गर्म ताजा बना खाना ही खाएं। आयुर्वेदा हमारा देश का प्राचीन ज्ञान है और हम सब जानते हैं कि ये शायद दुनिया में सबसे पुराना ज्ञान है। इसका उल्लेख हम सब जानते हैं कि वेदों में है, और जैसा कि हम सब जानते हैं वो कहते हैं कि अथर्ववेद का इसको ऑफशूट माना जा सकता है, अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं है। इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए मंत्रालय ने सुबह एक चम्मच च्यवनप्राश खाने की सलाह दी है। जो डायबिटीज के रोगी हैं उन्हें बिना शुगर वाला च्यवनप्राश खाने की सलाह दी गई है। आयुष मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि दिन में एक या दो बार हर्बल चाय पिएं या तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और किशमिश का काढ़ा पीने और 150 मिलीलीटर गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पीने की सलाह दी गई है। वहीं सुबह शाम अपने दोनों नथुनों में तिल या नारियल का तेल या घी लगाएं। सूखी खांसी के लिए दिन में एक बार पुदीने की ताजा पत्ती या अजवाइन के साथ भाप लेने के बारे में भी बताया गया है। तो वहीं खांसी या गले में खराश होने पर दिन में 2-3 बार प्राकृतिक शक्कर या शहद के साथ लौंग का पाउडर लेने की सलाह दी गई है। एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पॉजिटिव के लिए ये रिकमेंडेशन है गुडुची घनवटी, अगेन गुडुची हम जिसको गिलोय बोलते हैं, सनसमनी वटी या गुडुची पिपली इसको, या आयुष 64। माइल्ड कोविड पॉजिटिव हो तो द थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटजी ऑफ टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट इज प्रूविंग टू बी अ सक्सेस। The fatality rate has dropped to 1.55% with 1,03,569 deaths recorded so far. The number of active COVID-19 cases in India stands at 9,19,023, which is 13.75% of the total cases reported so far. Vaccine development in India. Initially, the ICMR vaccine portal will only reflect information on COVID-19 vaccine in India. However, with time, the web portal will be strengthened with data available for all the vaccines used to prevent various diseases. Currently, 3 COVID vaccine candidates are in different phases of clinical study. They include the Bharat Biotech vaccine, DNA vaccine, and the recombinant Oxford University vaccine. The vaccine portal will contain sections including COVID-19 vaccine, Countries Initiative, International Symposium and FAQ for the general public. The portal will be available in all the regional languages. The portal will also provide information from WHO regarding COVID-19. Up next, a quick look at the COVID-19 situation from across the nation. India's recovery rate has further improved to 82.58%. During the last 24 hours, 74,893 patients have recovered and they were discharged. The health ministry said that the total number of recoveries has reached 50,16,520. The constantly increasing recoveries have ensured that the actual caseload of the country has reduced and currently comprises